सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 4 की ध्वनिशाला में। बच्चों, आज हम जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है चिड़िया और पौधे की कहानी। ये इब्तदाई उर्दू की चौथी जमात का दूसरा सबक है। उम्मीद है कि अब आपको उर्दू जबान सीखने में दिलचस्पी पैदा हो गई होगी और आप खुद अपनी कोशिशों से भी इस जबान को सीखने की कोशिश कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आइए इस सबक के हवाले से, यानी जिसका उन्वान है चिड़िया और पौधे की कहानी, एक नए किस्से को एक नए अंदाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपने पहले भी पढ़ा हो कि दो लोगों के बीच में जब गुफ्तगु होती है तो उसे हम मुकालमा कहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में डायलाग कहते हैं। तो डायलाग, जाहिर सी बात है कि यहाँ चिड़िया और पौधे की कहानी है। तो चिड़िया तो बोलती है लेकिन पौधा तो बिल्कुल नहीं बोलता। लेकिन ये लिखने वाले का कमाल होता है, जो शायर है, कहानीकार है या जो मजमून निगार है, ये उसकी खूबी होती है कि किस चीज़ से क्या मुकालमा अदा करा दे, क्या बात कहलवा दे। जाहिर सी बात है कि इसका मकसद ये होता है कि उसको अपनी बात खुद से अपनी तरफ से ना कहकर उसकी तरफ से कहलवाई जाए, चाहे वो चिड़िया की तरफ से कहलवाई जाए या पौधे की तरफ से कहलवाई जाए। तो उसमें एक असर पैदा होता है, उस कहानी में एक नयापन पैदा होता है और बात हम पर ज़्यादा असर करती है। जो चीज़ हम नहीं सोच पाते उस तरह से वो चिड़िया सोच रही है, वो पौधा सोच रहा है। तो यहाँ इंसानों के अंदर जो खूबियाँ पैदा होनी चाहिए, जो कुछ होना चाहिए, उसका इजहार वो पौधा कर रहा है। वो चिड़िया उसको, चिड़िया को समझा रहा है वो पौधा कि जब मैं खुद बड़ा हो जाऊँगा, मजबूत हो जाऊँगा, तो मैं झुक जाऊँगा, मेरे अंदर कुव्वत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, तब तुम मेरी टहनी पर आके बैठ सकती हो, उस पर चहचहा सकती हो, उस पर सो भी सकती हो, वगैरह वगैरह। तो इस सबक को देखिए किस तरह से जो चिड़िया और पौधे की मदद से लिखा गया है और किस तरह आगे बढ़ा हुआ है। आइए पहले हम सबक को पढ़ते हैं। चिड़िया और पौधे की कहानी। शाम का वक्त था, एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। पौधा कांपने लगा और चिल्लाया, अरे अरे ये क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। चिड़िया घबरा गई और जल्दी से अलग हट गई। पौधे ने उसे उदास देखा तो पूछा, अरे भी चिड़िया तुम नाराज़ हो गई। चिड़िया बोली, मैं क्यों नाराज़ होती, मुझे तो ये सोच कर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूँ और रात होने वाली है, मेरे साथी ना जाने कहाँ चले गए। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी, लेकिन तुमने डांट दिया, अब सोच रही हूँ इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ। पौधा बोला, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बैठा सकता हूँ, मैं तो खुद छोटा सा हूँ, मेरी टहनी देखो कितनी नर्म और पतली है। चिड़िया फुदक कर पास आ बैठी। पौधे ने कहा, बी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। चिड़िया बोली, तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है, मैं अपने परों को फुला लेती हूँ और फिर अपने परों में अपना मुँह छुपा लेती हूँ जब कहीं मुझे नींद आती है। पौधे ने कहा, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तो तुम मेरी टहनी पर बैठना। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज ज़मीन पर गिरा, मिट्टी ने उसे दबा लिया, वो मिट्टी के अंदर ही अंदर फूलता रहा और फिर एक दिन उसने मिट्टी से अपना सन निकाला, उसके बाद धूप पानी हवा और मिट्टी से बढ़ने लगा। चिड़िया बोली, अब वो कहाँ है। पौधे ने कहा, अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तो हूँ, अब रोज़ाना बढ़ रहा हूँ, तुम देखना बहुत जल्द मेरी जड़ें ज़मीन में फैल जाएंगी, मेरी बहुत सी टहनियाँ हो जाएंगी, ये नन्ही मुन्नी टहनियाँ एक दिन खूब मोटी हो जाएंगी और मैं बहुत ऊंचा हो जाऊँगा, मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी, फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे, लोग तोड़ तोड़ कर खाएँगे, बी चिड़िया फिर तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी, फिर तुम मज़े से मेरे ऊपर बैठकर रात गुजारना। चिड़िया बोली, देखो उस वक्त मुझसे आकड़ कर बात मत करना। पौधा बोला, तुम कैसी बातें करती हो बी चिड़िया, जब टहनियों में फल लगेंगे, पत्तियां होंगी, फूल खिलेंगे, तो मैं कैसे अकड़ सकता हूँ,
फिर तो मैं और झुक जाऊंगा, मैं तो सबके खिदमत करूंगा, सबके काम आऊंगा। चिड़िया बोली, खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी से बहुत अच्छे हो। फिर चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। बारिश हुई लेकिन चिड़िया पौधे के नीचे बैठी रही, पौधे ने उसे भीगने नहीं दिया। जब सुबह हुई तो चिड़िया यह कहकर फिर से उड़ गई, रात को फिर आऊँगी। तो बच्चों, आपने देखा कि एक बहुत दिलचस्प किस्सा है, कहानी की शक्ल में लिखा गया है और दो लोगों के बीच मुकालमा यानी डायलॉग कराया गया है। एक बोलने वाला चिड़िया है, दूसरा जो है पौधा है। चिड़िया की तो अपनी कुछ आवाज़ होती है, कुछ बोलती भी है, लेकिन हम इंसानों की जैसे उसकी आवाज़ नहीं होती, उस तरह अपने लफ्ज़ों को अदा नहीं करती। और पौधा तो बिल्कुल नहीं बोलता, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं, जबान बेजबान है। लेकिन यहाँ कहानीकार ने या लिखने वाले ने किस तरह से दोनों को जबान अता कर दी है, दोनों को जबान की, और किस तरह से एक दूसरे से मुकालमा कराया है, और किस तरह नर्म छोटे छोटे जुमले से अपनी बातों से किस तरह एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। चिड़िया जो है उसको सहारा चाहिए, अकेली है, उसके साथी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, लेकिन अभी आए नहीं हैं। रात हो गई है तो वो कहाँ रहेगी। जैसे ही वो टहनी पर आकर बैठी तो टहनी जाहिर सी बात है कि अभी बहुत छोटी है, उसको डर लगा कहीं मैं टूट ना जाऊँ, तो उसने उसको मना कर दिया वहाँ पर आने से। और चिड़िया कुछ शायद नाराज़ भी हो गई या वहाँ से अलग हो गई। तो इस वजह तरह हम देखते हैं कि किस तरह से मुकालमा आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी बढ़ते बढ़ते किस तरह से जो वो टहनी थी उसने अपना किस्सा बताया कि एक बीज था, ज़मीन में गिर गया था, फिर उसको मिट्टी ने दबा लिया, फिर वहाँ से उसको नमी मिली, उसने अपना असर निकाला, फिर धूप पानी हवा और मिट्टी से वो आगे बढ़ा, बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आया कि जो वो खूब मजबूत हो गया, एक फलदार दरख्त बन गया, तनावर दरख्त बन गया, मजबूत हो गया। अब उसको जो है ना टहनी का, वो उसको ना तो हवा का डर है, ना पानी का, ना आंधी का, कुछ नहीं अब उसके ऊपर कोई भी। तो चिड़िया का कहने का मतलब ये है, इस सबक में जो खास बात बताई गई है कि जब इंसान के अंदर कोई खूबी पैदा हो जाती है, जब उसके अंदर जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं इस तरह की, तो उसकी अकड़ ख़त्म होनी चाहिए। यानी यह नहीं कि अगर हमारे अंदर कोई खूबी आ गई है, हम बहुत पढ़ लिख कर आला मुकाम पर पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं, तो हमें इतराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें और आजिज़ी से काम लेना चाहिए, इंसारी से काम लेना चाहिए। यानी अपने आप को हम बहुत ऊँचा ना बने, बल्कि जिस दरख्त पर फल लगते हैं वो झुक जाता है, जिस दरख्त पे फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, वो अकड़ के नहीं चलता। तो उसने चिड़िया ने जो सवाल किया था कि देखो तुम अकड़ कर बात मत करना, तो उसने वही जवाब दिया कि जब मेरे अंदर फूल लगेंगे, फल लगेंगे, फूल खिलेंगे, तो मैं कैसे अकड़ सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इस समय इन सब इंसानों को भी उसी दरख्त की मानिंद होना चाहिए। जब उसके अंदर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और उसका वजन बढ़ जाता है तो वो झुक जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर भी जब कोई अच्छाई आती है तो उसे अकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे झुकना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को सहारा देना चाहिए। जिस तरह से वो दरख्त सहारा किसको दे रहा है, चिड़िया को, इसी तरह हम इंसानों को भी एक दूसरे के लिए सहारा बनना चाहिए जो है। तो इस सबक का में ख़ास बात यही है कि हमें जो है दुनिया में इतराना नहीं चाहिए, इसलिए कि सारी चीज़ें जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, अकड़ ज़रा सी देर में ख़त्म भी हो सकती है। तो हमें उन चीज़ों को देखना है कि किस तरह से ये एक पौधे और चिड़िया की मदद से किस तरह से एक अच्छा सबक इंसान को दिखाने की कोशिश की गई, हमें बताने की कोशिश की गई है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम लफ्ज़ों के अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन बातों को कैसे अलग कर सकते हैं कि जो चिड़िया कह रही है, जो जवाब जो पौधा जो दे रहा है, उनको किस तरह से अलग कर सकते हैं, कौन मुकालमा कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या किसने क्या बात कही है, उनको अलग करके भी दे सकते हैं, और बहुत सारी इसकी मशकें हैं। तो आइए हम मशकों को पहले देखें। सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें वही मुतजाद लफ्ज़ यानी विलोम शब्द यहाँ पर भी आए हैं, वो विलोम शब्द कौन कौन से हो सकते हैं उसको। जैसे उदास आया तो उदास का मतलब यह खुश भी हो सकता है, या रात काटना यहाँ मुहावरा भी इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह एक लफ्ज़ आया है संदर्म, तो नर्म का मुखालिफ सख्त भी होगा। अगर कोई लफ्ज़ आया है पतली, यानी देखो कितनी नर्म और पतली है मेरी टहनी, देखो कितनी नर्म और पतली है, तो नर्म की जगह जो सख्त भी हम लिखेंगे फिर, और पतली की जगह मोटी हो जाएगी। इस तरह ऐसे बहुत सारे अल्फाज यहाँ पर आए हैं जो इस तरह के मुहावरे भी हैं और उनका विलोम भी लिखा जा सकता है। जैसे सर निकालना, निकाला तो सर निकालना भी मुहावरा है,
तो आइए सबसे पहले हम मश्क देखें। उन मश्कों के इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। नाराज़ भी आम तौर पे जो है आम लफ्ज़ है कि आप नाराज़ ना हो, खफा ना हो, नाखुश ना हो जाएं। कोई रात काटना मुहावरा है, यानी रात गुजारना, तो इस तरह के इनमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। बल्कि इस सबक में आप गौर करें तो इस सबक में बीज के पौधे बनने और बड़ा होकर पेड़ बनने का जिक्र किया गया है। बीज से पौधा उगता है, पौधे के बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और धूप ज़रूरी है। पेड़ पौधों से इंसान, जानवर, परिंदों को बहुत फ़ायदा होता है। पेड़ पौधों से फूल और फल मिलते हैं। इंसान और जानवर उनके साए में आराम करते हैं। परिंदे उनकी शाखों और टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ पौधे हवा को आलूदा होने से बचाते हैं और बारिश के लिए भी मददगार होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। ये तो आम चीज़ें वो हो गई जो इस सबक के हवाले से यहाँ पर लिख दी गई हैं, लेकिन इस सबक का जो बुनियादी पहलू है, जो बुनियादी बात की गई, उसमें यही है कि इस सबक में सबसे अहम चीज़ है कि आदमी को अपनी खाकसारी का, इंसारी का है। अगर हमारे अंदर कोई खूबी पैदा हो गई है तो हमें बहुत इतराना नहीं चाहिए, बल्कि हम किस तरह से अपनी खूबियों से दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, दूसरों के अंदर वो अच्छाइयाँ कैसे पैदा हो सकते हैं। और यही इस सबक का ख़ास मकसद है जो चिड़िया और पौधे की कहानी की शक्ल में पेश किया गया है। अब इसमें कुछ सवालात ऐसे भी आए हैं जो चिड़िया से ये किया जा सकता है कि चिड़िया परेशान क्यों हुई, पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से क्यों मना किया, चिड़िया ने अपने सोने का ढंग क्या बताया, जब पौधा पेड़ बन जाता है दूसरों के किस तरह काम आता है। तो जाहिर बात है कि ये चार पांच सवालात हैं, इसमें और भी सवाल की गुंजाइश है, कहीं निकाली जा सकती है। तो इन सवालों को जवाब देने के लिए, यानी लिखने के लिए, इनको हम जवाबी ज़बानी तौर पे भी बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारी पढ़ने और लिखने की महारत ने फ़रोग पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिखने की महारतों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इन चारों पांचों सवालात के जवाब देने के लिए हमें सबक को, कहानी को बार बार पढ़ना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। जो है चिड़िया परेशान को, तो जाहिर बात है उसकी परेशानी की वजह वो अकेली हो गई थी, उसके साथी नहीं आए थे, रात वो आ चुकी थी, उसको अपनी रात गुजारना था, तो रात किस तरह गुजारे, इस तरह वो परेशान थी। पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से क्यों मना किया, तो जाहिर सी बात है कि टहनी बहुत कमज़ोर है, अगर उस पर ज़्यादा वज़न बढ़ेगा तो वो टूट भी सकती है। चिड़िया जो बैठती, बार बार बैठती, उड़ती, तो वज़न उस पर असर करता, उसके असर की वजह से जो वो टहनी टूट भी सकती है। तो दोनों को अपने नुकसान का ख़तरा है, एक तो चिड़िया परेशान है, दूसरा ये टहनी भी परेशान है दूसरी तरफ, कि अगर इस पर बार बार ये बैठती रही तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है, जिसमें जान भी नहीं है। तो उसी चीज़ों को उसने पौधे ने मना कर दिया। चिड़िया ने अपने सोने का ठंग क्या बताया, उसने तो कहा कि भाई मैं तो अपने परों को फैला लेती हूँ, अपने सर को छुपा लेती हूँ और इस तरह सोती हूँ। जो तो जाहिर सी बात है वहाँ तो इस तरह सो नहीं सकती थी, अब उसने कोई और तरीका बताया कि वो पेड़ के नीचे हुई, जब बारिश हुई तो उसने ऐसे सो रही थी कि जो टहनी निकली थी उसके नीचे बारिश का असर नहीं हो रहा था, तो बारिश से महफूज रही और उससे सो भी चुकी जो है। और जब शाम हो गई तो फिर वो सुबह हुई तो फिर यह कहकर उड़गी, रात को फिर आऊँगी, यानी एक तरह से दोनों में दोस्ती भी पैदा हो गई। थोड़े मामूली से मुकालमे में, मामूली से डायलाग में एक दूसरे को दोनों समझ गए। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी टहनी पर नहीं बैठूँगी, लेकिन मुझे सहारा चाहिए, और उसने अपनी मजबूरी जाहिर की, मैं अभी कमज़ोर हूँ, मेरी टहनी अभी कमज़ोर है, इस पर ज़्यादा वज़न नहीं दिया जा सकता। तो दोनों एक दूसरे की बात को समझ गए और एक दूसरे को सहारा देने के लिए तैयार हो गए। जब पौधा पेड़ बन जाता है तो दूसरों के किस तरह काम आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये आमतौर पर मुशाहदे की चीज़ है, हमारे ऑब्जर्वेशन की चीज़ है, और इसमें सबक में भी यही बताया गया कि वो किस तरह से उससे साया मिलता है, हमें फल मिलता है, फूल मिलते हैं, दरख्त तो बाद में उससे हमें लकड़ी भी मिलती है, वगैरह वगैरह बहुत तरह। खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से भरिए। तो इसी तरह हर सबक में ये इस तरह की गुंजाइश रखी गई है कि लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए गए हैं, अगर आमतौर पर उन्हीं लफ्ज़ों को लिया जाता है जिसमें वो पहली बार वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, या उनका सही तरीके से, नए तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे जुमले लिए जाते हैं कि उन जुमलों में से एक लफ्ज़ को निकाल दिया जाता है, उन लफ्ज़ों को सामने लिख दिया जाता है, और फिर पाँच जुमले लिख दिए जाते हैं और उनको खाली जगहों से उन लफ्ज़ों से भरने के लिए कहा जाता है। तो एक चिड़िया एक नन्हे डैश पर आकर बैठ गई, तो जाहिर बात है कि पहला ही जुमला जो है कि वहाँ पौधे हैं, तो एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। दूसरा जुमला इसका यह है कि मैं तुम्हारी डैश पर बैठकर रात काट लूँगी,
अब जाहिर बात है गैस है तो फिर सबक देखेगा बच्चा, वो देखेगा वहाँ डाली लिखा हुआ है तो वो लफ्ज़ डाली को यहाँ पर दिख देगा। इसी तरह आखिरी तीन जुमले और हैं कि मैं तुमको अपनी गैस पर कैसे बैठा सकता हूँ, तो यहाँ पर जाहिर बात है कि लफ्ज़ टहनी इस्तेमाल हुआ है सबक में। बच्चा साहिब उस लफ्ज़ को देखेगा, टहनी को लिख देगा और फिर जुमले को पढ़ेगा। इसी तरह आगे दो जुमले और हैं, थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक गैस ज़मीन पर गिरा। अब किताब में इस जुमले को तलाश करेगा बच्चा और देखेगा कि उस लफ्ज़ वहाँ बीज इस्तेमाल हुआ है और बीज वहाँ से देकर यहाँ पर उस लफ्ज़ को उस खाली जगहों को भरेगा और वो उसको पढ़ेगा कि थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज ज़मीन पर गिरा, मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी निकल आएंगी। क्या चीज़ निकल आएगी भी हरी हरी? टहनियाँ निकल आएंगी, पत्तियाँ निकल आएंगी, फूल निकल आएंगे। अब निकल आएंगी और निकल आएंगे तो फूल तो मुदक्कर है, अगर फूल निकल आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो गे होगा। तो इस तरह से आगे एक जुमला गी है गाफ ये, तो इस तरह से वो उसको हमें इसको भरते वक्त ये भी देखना है कि कहाँ फेमिनिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, कैसे उसको भरना है उस पर भी गौर करना है। क्योंकि हमने ये बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ज़बान सीखने में कवायद की अहमियत का भी हमें जो पास रखना है, लिहाज रखना है। तो मेरे अंदर बहुत सी हरी हरी, अब हरी हरी का तो हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी। तो इस तरह से वो देखना पांच जुमले में पांच लफ्ज़ भर दिए गए और पांच जुमले उस तरह हमने मुकम्मल कर दिए किताब की मदद से। अब फिर इस तरह यहाँ देखिए कि पांच जो लफ्ज़ और दे अलग से दे दिए गए हैं कि इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और ख़ाली जगहों में लिखिए। लफ्ज़ पांच लिखे गए हैं, रात, फूल, सुबह, टहनी, हवा। इन लफ्ज़ों को हम अपने जुमले में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अब कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि किताब में जिस तरह से इस्तेमाल किया गया वो जुमला हमें यहाँ लिखना नहीं चाहिए, वरना फिर हमने कोई लफ्ज़ सीखा ही नहीं, कोई जुमला बनाना सीखा ही नहीं अगर हमने किताब के अल्फाज उठा के लिख दिए, किताब के जुमले यहाँ लिख दिए। बल्कि अब हमें अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी है कि हम कौन से लफ्ज़ को अपने जुमलों में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर बच्चे का इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होगा। कोई कह सकता है कि ये फूल मुझे पसंद है, कोई कह सकता है कि ये फूल बहुत अच्छा है, कोई कह सकता है कि इस फूल का रंग हरा है। यानी फूल को आप किस तरह से अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जुमले में, सुबह को, टहनी को, हवा को, इस तरह से एक ही जुमलों से लेकर बहुत सारे लफ्ज़ बन जाएंगे। अगर 40 बच्चे क्लास में है तो 40 जुमले बन जाएंगे और 40 लोगों के इस्तेमाल का तरीका उस लफ्ज़ को करने का अलग अलग होगा। इसी तरह अगली एक्सरसाइज है कि नीचे लिखो ये मिसरों को पढ़िए और तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ तो कोई मिसरे दे दिया गया है, मिसरे दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ तस्वीर दे दी गई है। तो चिड़िया, एक चिड़िया ने गाना गाया, एक चिड़िया ने गाना गाया, सब चिड़ियों ने लुत्फ उठाया। एक जगह से लफ्ज चिड़िया इस्तेमाल हुआ है, दूसरी जगह चिड़ियों इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह एक जगह एक हड्डी दे दी गई, हड्डी एक सड़क पर पाई, दो कुत्तों में हुई लड़ाई, लड़ाई और पाई। तो यहाँ जो है एक तरफ चिड़िया की मदद से, तस्वीरों की मदद से ये वाजे करना है कि किस तरह से हम इसमें वाहिद और जमा का फ़र्क कर सकते हैं। चिड़िया आया है एक तो उसमें चिड़ियों ने, सब चिड़ियों ने लुत्फ उठाया। हड्डी एक सड़क पर पाई तो हड्डी जो वाहिद है, और दो कुत्तों में हुई लड़ाई तो ये जो है दो कुत्ते ये जमा हो गया, यानी प्लूरल हो गया। इसी तरह बहुत सारी तस्वीरें नीचे दी गई हैं जिसमें इस्म और जमा को ये देखना है कि हमें कौन तस्वीरों की मदद से ये शनाख्त करना है कि इस तस्वीर में चिड़िया है भरा जाएगा या चिड़ियों होगा, या पत्ती लिखा जाएगा या पत्तियाँ लिखा जाएगा, या फल लिखा जाएगा या फलों लिखा जाएगा, या पर है तो परों लिखा जाए, क्या है। यानी तस्वीरों को गौर से देखना, उनका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना है और उनकी उन तस्वीरों की मदद से हमें लफ्ज़ लिखना है। और इनके इस तस्वीर इस मश्क का मकसद ये है कि हमें वाहिद और जमा की और पहचान हो जाए और हमारी मश्क हो जाए ताकि हम समझ सकें कि कहाँ पर जमा हो गए और कहाँ पर वाहिद लिखना है। अब अगली एक्सरसाइज है कि इमला दुरुस्त करके लिखिए। जाहिर बात है कि वर्तनी अगर हमारी गलत है, जो आमतौर पर लिखने के सूरत हाल में जो चीज़ गलती आती है वो इमला की होती है या वर्तनी की होती है। जैसे सुबह का इमला खिदमत, दावत, नाराज, फिर रोज़ाना। तो अब इसको हमें सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा वो किताब की मदद से ही हम इसको सही लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है सुबह के लिए सीन, बे और बड़ी है इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इमला सुबह का गलत है। हम जब सुबह का इमला लिखेंगे तो स्वाद,
बे और हे है। उर्दू में कुछ आवाज़ें ज़रूर ऐसी हैं कि एक ही आवाज़ के लिए तीन हर्फ हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, या कुछ ऐसी एक ही आवाज़ के लिए कई हरूफ इस्तेमाल होते हैं जिसकी वजह से ये मुश्किल बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना है, उन आवाज़ों को बोलना भी है, उन आवाज़ों से बनने वाले लफ्ज़ की भी मश्क करनी है, तो इसकी वजह से उर्दू में के में इमले की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। यानी इमला उसे कहते हैं कि किसी लफ्ज़ में हरूफ कितने हरूफ हैं, उनकी सही तरतीब क्या है और उनका सही जोड़ क्या है, उसको इमला कहते हैं। तो इमला जाहिर सी बात है कि सिर्फ बोलने की सूरत में नहीं ज़ाहिर होता बल्कि लिखने की सूरत में ज़ाहिर होता है। वर्तनी हम कहते हैं वो सही से गलत है तो इमला गलत है, तो वो जब तक हम किसी लफ्ज़ को लिखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ये लफ्ज़ हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो सुबह को हमें सीन से नहीं स्वाद से लिखना है। इसी तरह खिदमत के लिए दो आवाज़ें हैं, एक खा की है एक खा की है। तो एक खा हिंदुस्तानी आवाज़ है, खा जो है वो ये तो अरबी का लफ्ज़ भी हो सकता है और पर्शियन का भी हर्फ हो सकता है। तो हमें यहाँ कौन सा हर्फ लेना है, खा की भी आवाज़ हमें पहचाननी है और खा की भी आवाज़ पहचाननी है, और खिदमत कैसे लिखा जाता है ये भी हमारे जहन में वाज़े होना चाहिए और हम बच्चों को उसको वजाहत करें ताकि वो बच्चे सही तरीके से उसको सीखें और सही तरीके से लिख सकें। इसी तरह ऐसे छः लफ्ज़ इसमें दिए गए हैं, सुबह, खिदमत, दावत, नाराज़। नाराज़ में जाहिर सी बात है कि ज़ुआद इस्तेमाल होगा, ज़े नहीं इस्तेमाल होगा, ना तो ज़ोए इस्तेमाल होगा ना ज़े। तो इस तरह से कई आवाज़ें जो मुश्किल पैदा करती हैं उनको हम इस तरह से यहाँ उन इमलों की मदद से सही कर लिख सकते हैं, इमलों की सही शनाख्त कर सकते हैं, लफ्ज़ों को सही तरीके से लिख सकते हैं और लफ्ज़ों को सही तरीके से हम अदा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एक लफ्ज़ आया है फिर, तो दो आवाज़ें यहाँ पर फा की भी है और फा की भी है। एक फौज हम लिखते हैं, फव्वारा लिखते हैं, तो वही आवाज़ धोरी या फौजी लिखते हैं, फिल्म कहते हैं, तो एक आवाज़ यह फा की है। एक आवाज़ है फा, जिसको हम फल कहते हैं, फूल कहते हैं, फुलवारी कहते हैं, फावड़ा कहते हैं, तो उस वक्त वो आवाज़ इस्तेमाल होती है। तो इन दोनों आवाज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क है। उन आवाज़ों को हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं, कौन से लफ्ज़ में कौन सी आवाज़ इस्तेमाल हुई है, हमें उसकी शनाख्त करने के लिए ये एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है। तो वहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ये लफ्ज़ फिर नहीं फिर है, यानी दोबारा। इसी तरह रोज़ाना, आमतौर पर जीम के साथ जो आवाज़ें हमारी उर्दू में बोली जाती हैं वो ज़े ज़ाल है, ज़े है, ज़े, ज़ुआद, ज़ोए और है वगैरह वगैरह। तो पांच आवाज़ें जीम के साथ खलत मिलत हो जाती हैं। हिंदी में तो एक बिंदी हम लगा के काम चला लेते हैं, लेकिन जब हम उसको उर्दू में लिखेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी आवाज़, कौन सा हर्फ वहाँ इस्तेमाल हुआ है, कौन सी आवाज़ इस्तेमाल की जाएगी। तो इस मश्क बहुत अहम है कि इमला दुरुस्त करना। इमला दुरुस्त करने के लिए आमतौर पर जो है गलत इमला दे के सही लिखवाया जा सकता है। दूसरा उसका तरीका यह हो सकता है कि उस्ताद उस जिस लफ्ज़ों को जिस सबक को पढ़ाएं उस सबक में जितने भी मुश्किल अल्फाज आए हैं उन सबक को डिक्टेट कराया जाए। डिक्टेट कराने से ही हम सही इमला की पहचान कर सकते हैं। डिक्टेशन का मतलब यह है भी है कि हम उसकी मदद से लैंग्वेज सीखने की चारों स्किल से एक साथ डेवलप होती हैं। कोई भी स्किल जो है ज़बान की अलग से डेवलप नहीं हो सकती है बल्कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में डेवलप हो सकती है। फ़र्ज कर लीजिए किसी के वो इमला लिखाया जा रहा है, उसमें डिक्टेट किया जा रहा है, तो पहले वो सुनेगा, सुनने के साथ साथ वो समझेगा, फिर वो खुद बोलेगा और बोलने के साथ साथ वो लिखेगा, बच्चा लिखते हुए वो पढ़ेगा। तो इस तरह सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने चारों महारतें ज़बान की एक साथ डेवलप हो रही हैं डिक्टेशन में, और ये एक बहुत अहम एक्सरसाइज है। हर उस्ताद को इसकी बार बार मशक करानी चाहिए ताकि बच्चे का इमला दुरुस्त हो जाए, उसका तलफ़ सही हो जाए, उसके हरूफ की सही शनाख्त हो जाए और उनके सही जोड़ से वाकिफ भी हो जाए। अगली एक्सरसाइज हम देखते हैं कि नीचे लिखे हुए जुमलों में रंगीन लफ्ज़ों के मुतज़ाद खाली जगह में लिखिए। अब यहाँ कुछ रंगीन हर जो कई जुमले लिखे हुए हैं, एक पांच जुमले लिए गए अलग अलग जो है, बल्कि 10 जुमले हैं। उन 10 जुमलों की मदद में से उसमें कुछ लफ्ज़ जो है कुछ रंग अलग रंग में दे दिए गए हैं। अलग रंग में जो लफ्ज़ लिखेंगे यानी जो रंगीन लफ्ज़ हैं उन लफ्ज़ों के हमें मुतज़ाद लफ्ज़ लिखना है, यानी कौन सा लफ्ज़ आएगा उसका मुतज़ाद क्या होगा। यहाँ भी पिछली एक्सरसाइज जो हुई है कि एंटोनिम्स यानी मुतज़ाद लफ्ज़ों की किस तरह मश्क की जा सकती है, उसी तरह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं जो है। तो जैसे शाम का वक्त था, अब शाम होगा तो दिन का वक्त था या सुबह का वक्त था, यहाँ सुबह आएगा। इसी तरह पौधे ने उसे उदास देखा,
तो उदास का मुतरादी वो मुतजाद क्या होगा, खुश होगा। मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है। अब रोना का विलोम क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है कि आपके जहन में फौरन आएगा कि हंसना, मुझे तो ये सोचकर हंसना आ रहा है। तो इस तरह ये 10 जुमले यहाँ दिए हुए हैं, इन 10 जुमलों में एक लफ्ज दिया गया है और उनकी मतलब उनको देखकर फिर हमें उसका मुतजाद लफ्ज लिखना है। तो जाहिर सी बात है 10 मुतजाद लफ्ज़ों के यहाँ तो दिए गए हैं, लेकिन इस तरह से और मश्क हम कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज बहुत अहम, ये भी हम कह सकते हैं कि अहम है कि किसने किससे कहा। यानी जाहिर बात है कि सबक में 2 लोगों के बीच डायलाग हुआ है, एक चिड़िया है और दूसरा पौधा। चिड़िया कुछ कहती है तो पौधा जवाब देता है, पौधा कुछ कह रहा है तो चिड़िया जवाब दे रही है। इस तरह से इसमें 5 जो है वो डायलाग अलग अलग लिख दिए गए हैं। तो किसने कहा है और किससे कहा है उसका नाम लिखना है। जैसे अरे अरे ये क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। अब जाहिर सी बात है कि ये तो पौधा कह रहा है चिड़िया से, अब यही बात हमको लिखनी है कि पौधा चिड़िया से कह रहा है, चिड़िया पौधों से कह रही है, पौधा चिड़िया से कह रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह 5 जुमले हमें ये हैं और उन 5 जुमलों में ये देखना है कि कौन सा लफ्ज़, कौन सा करैक्टर, कौन सा किरदार अदा कर रहा है, कौन सा जो है डायलाग अदा कर रहा है। तो इस तरह ये उसी वक्त हम कर सकते हैं जब हम मतन को यानी सबक को बहुत गौर से पढ़ेंगे, कई बार पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद ही हम इसकी मशक कर सकते हैं। इसी तरह कुछ तस्वीरें और दी हुई हैं, अगली मशक है इसकी बहुत अहम वो भी, कि नीचे दी हुई तस्वीरों के बारे में 3-3 जुमले लिखिए। पहली तस्वीर एक गमला है उसमें पौधा लगा हुआ है, दूसरी तस्वीर में एक चिड़िया है टहनी पर बैठी हुई है। तो 2 तस्वीरों की मदद से हमें 6 जुमले लिखने, यानी गमला जहाँ जिस पौधे में लगा हुआ है जिसमें उसके लिए 3 लफ्ज़ लिखने, 3 जुमले लिखने हैं। इसी तरह चिड़िया के जो टहनी पर बैठी हुई है उसके लिए 3 जुमले लिखने हुए हैं, यानी 6 जुमलों के लिखने की यहाँ मशक हो गई। इसी तरह हमने और इसके पहले भी देखा कि हमने जुमलों को दुरुस्त किया है, मुतजाद लफ्ज़ लिख के, वाहिद लिख के, जमा लिख के। तो इस तरह जुमलों के बार बार मशक से हम इस सबक को बेहतर तरीके से समझ ले रहे हैं। इस सबक की एक और एक्सरसाइज बहुत अहम है, एक लसानी खेल के तौर पर दिया गई है कि इसमें कुछ हरूफ अलग अलग खानों में लिख दिए गए हैं और उन खानों के नीचे 10 जानवरों की तस्वीरें हैं। यानी पहली तस्वीर जो है चीता की है, फिर जिराफ, गेंडा, शेर, हिरन, खरगोश, रीछ, हाथी, गीदड़ और लोमड़ी। ये 10 जानवरों की तस्वीरें हैं और लफ्ज़ लिखे गए हैं अलग अलग खानों में, उनके हरूफ लिखे गए हैं, हरूफ लिखे गए, उन हरूफ की मदद से हमें उन जानवरों के नाम तलाश करके उनको अंडरलाइन करना है कि कौन सा, जैसे कभी ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, इस तरह से हम आमतौर पर। यह भी बच्चों के लिए बहुत दिलचस्प मशक है और इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए, जैसे शाम, वक्त, नाराज, ज़मीन, खिदमत। तो जाहिर बात यहाँ लिखने की भी मशक हो रही है, यानी अच्छा लिखने की मशक हो रही है और उनको सही अदायगी से पढ़ना भी है। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरह जो है चिड़िया और पौधे की कहानी एक बहुत अच्छा सबक है। इसमें डायलाग की मदद से न सिर्फ चिड़िया और पौधे की कहानी के बीच में मुकालमा कराया गया है, बल्कि इस कहानी की मदद से हमें किस तरह होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, हम दूसरों की मदद किस तरह कर सकते हैं, कैसे, तो हमारे अंदर अगर कोई खूबियाँ पैदा हो रही हैं, कुछ सिफात आई हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो उन अच्छाइयाँ सिर्फ हमारे लिए अपने लिए नहीं है, बल्कि हम उन अच्छाइयों की मदद से दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो इस सबक के ज़रिए हम न सिर्फ एक अच्छी वैल्यू से वाकिफ़ हो रहे हैं, बल्कि ज़बान सीखने की जो महारतें हैं उनको भी सीख रहे हैं और कवायद का हिस्सा भी हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीख लिया है। उम्मीद है कि आप इस मशक को, इस सबक को और पढ़ेंगे और उसमें दी गई मशकों को मज़ीद गौर फिक्र से और उसमें बेहतरी पैदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यंकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।